नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। विजयदशमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन की तैयारी है। दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुतला दहन करेंगे। वहीं द्वारका में श्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतला दहन करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका पहुंच चुके हैं। सभी बड़ी माला के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इसी के साथ साथ भाई परवेश जी और मनोज जी पगड़ी बांधकर परम आदरणीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी और भाई प्रवेश वर्मा जी दोनों मिलकर प्रधानमंत्री जी को पगड़ी बांधेंगे और भाई प्रवेश जी एक बहुत बड़ी गदा, चांदी की एक गदा उन्हें भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जब तक पगड़ी बनती है तब तक आप सभी का हम पूरी जनता की ओर से तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का हम सभी मिलकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जब तक पगड़ी बनती रहे आप सभीओं का तालियों की धड़धड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता रहे। इसके साथ ही एक बहुत सुंदर हनुमान जी की गदा भाई प्रवेश जी प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। भाई प्रवेश वर्मा जी पूरे क्षेत्र की ओर से एक हनुमान जी की बहुत बड़ी गदा वो प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इसी के साथ साथ द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से भाई राजीव सोलंकी जी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का एक मोमेंटो और उन्हें शाल उठाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे भाई राजीव सोलंकी जी। इसी कड़ी में द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के संरक्षक श्री वीपी टंडन साहब प्रधानमंत्री जी को एक हनुमान जी की एक शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन करेंगे। एक शाल उड़ाकर श्री वीपी टंडन जी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई सुखवीर शौकीन जी प्रधानमंत्री जी को एक हनुमान जी का चित्र भेंट करेंगे। भाई सुखवीर शौकीन जी हमारे संरक्षक हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। डॉक्टर जमाल अनोखे खान साहब हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के संरक्षक हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चेतन व्यास जी। तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फिलहाल हम दिखा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर
दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन में, पहली तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें हैं, लंका दहन का कार्यक्रम है और रावण दहन आज होगा। हमारे सबके घरों में खुशियों का प्रतीक बनकर आता है। तो दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुतला दहन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो विजयदशमी के मौके पर दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन की तैयारी है और दो तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन में हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। एक तरफ सुभाष पार्क परेड ग्राउंड की तस्वीर है और दूसरी तरफ दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाई गई, उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। तो दोनों ही तस्वीरें बेहद खास हैं आज के इस मौके पर। तो विजयदशमी की तैयारी पूरे देश में और अब कुछ ही पलों में पुतला दहन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली की जो दो बड़ी रामलीला है वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यहां पुतला दहन करेंगे भगवान राम। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान जी के साथ दिल्ली के द्वारका की। फिलहाल दूसरी तस्वीर में आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को देख पा रहे हैं, उनके तिलक लगा करके यहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हुए हैं। पुतला दहन का कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। दिल्ली की द्वारका की तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पे। अब दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको एक साथ। दीप प्रज्वलित करने के बाद अब यहां भगवान राम लक्ष्मण को तिलक किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और कुछ ही पलों में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आरती उतारते हुए पूजा अर्चना में शामिल, उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी। तो ये तैयारी की जो तस्वीरें हैं ये हैं सुभाष पार्क परेड ग्राउंड की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहुंचे हुए हैं विजयदशमी के इस खास मौके पर। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने सुभाष पार्क परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लक्ष्मण जी का तिलक किया। अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भगवान श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, तो असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, तिलक कर रहे हैं और इस पर्व को बेहद शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। ऊपर हमारे मंच पर पधारेंगे। दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अब मंच की ओर बढ़ते हुए दोनों ही गणमान्य अतिथि थोड़ी देर में पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो आज का दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक सीख भी है, एक अध्याय भी है, एक सबक भी है जो जीवन में सभी को उतारने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, एक बार फिर मैं श्री धार्मिक लीला, तो दो तस्वीरें एक बार फिर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं माननीय अतिथियों का। दिल्ली से ही दोनों तस्वीरें हैं, उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी का और हमारे सुभाष पार्क परेड ग्राउंड से। लेकिन अब दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है जो द्वारका से है और यहाँ पे तिलक किया जा रहा है भगवान श्री राम और लक्ष्मण का। खुद प्रधानमंत्री तिलक कर रहे हैं,
जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी को प्रधानमंत्री जी तिलक लगा रहे हैं। अगला सीन रामलीला मंचन का, तुरंत रामलीला मंच का कार्यक्रम शुरू किया जाए। रामलीला मंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर के माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामविलास जी का। श्री रामविलास जी कृपया करके आए और प्रदीप जी चलते क्यों नहीं हो। श्री रामविलास जी ने माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत किया। श्री प्रदीप गुप्ता जी से आग्रह है कि वो माननीय उपराष्ट्रपति जी का पुष्पमाला भेंट करके उनका स्वागत करें। श्री मनोज सिंघल जी से मेरा निवेदन है कि वो अब मेरा निवेदन है मनोज जैन जी से कि वो आकर के उपराष्ट्रपति जी को एक हम सब की ओर से भेंट प्रस्तुत करें। श्री नीरज जैन जी, श्री नीरज जैन जी आएंगे और माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक प्रतिमा हम सब की ओर से प्रस्तुत करेंगे। श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, उपराष्ट्रपति जी को एक भेंट हम सब की ओर से प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अन्नो जी को, अनिल कुमार जी को, जो आकर के माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक भेंट हम सब की ओर से प्रदान करेंगे। बस श्री सुनील गुप्ता जी आए और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री पवन जैन जी, सर ये हमारे सब वरिष्ठ सदस्य हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये पवन जैन जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वागत किया। श्री गौरव गुप्ता जी, माननीय अतिथि का एक पुष्पमाला भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री विक्रम लोहिया जी से मेरा निवेदन है कि वो एक पुष्पमाला से माननीय अतिथि का स्वागत करें। श्री राजेश गुप्ता जी, हम सब की ओर से एक भेंट माननीय अतिथि को प्रस्तुत करेंगे। श्री प्रदीप जी, माननीय अतिथि का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और श्री सोनल जी,
संजय जी, हर वर्ष हम अपनी धार्मिक लीला कमेटी की एक स्मारिका बनवाते हैं। आज के दिन हम इस स्मारिका का विमोचन हमारे यहाँ पधारे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उपराष्ट्रपति जी से कराते हैं। चलो ले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इस स्मारिका का विमोचन किया। वर्षों से हम सब शांति का प्रतीक कबूतर को मानते आए हैं और ये कबूतर उड़ा करके हम भगवान से ये विनती करते हैं कि हमारे देश में शांति का माहौल बना रहे। तो अब हमारे कुछ सदस्य यहां आएंगे। नहीं प्रभु, 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 नहीं प्रभु, 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 आप सब शांत हो जाएं। राम का जीवन व्यर्थ है यदि माता की उपासना अधूरी रह जाए। नहीं प्रभु, 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 ऐसा ना करें प्रभु, ऐसा ना करें प्रभु, प्रभु ऐसा ना करें। माता, प्रणाम माता। ये क्या नाच करने जा रहे? मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सुरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र जी, निम्रता जी, वेदिका जी, शिशिर अग्रवाल जी, सबने आकर के ये एक कबूतर यहां पर उड़ा करके शांति की प्रार्थना करी है। Thank you.
ही लोग नाच रहता है। जम सुबह वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। ये इतिहास रावण के नाम को सर्वथा याद रखेगा। रावण उसने अपने जीते जी स्वयं नारायण को भी लंका के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। उसने जीते जी सीता को नहीं जाने दिया। भोलेनाथ, संपूर्ण जीवन मैंने आपकी आराधना की, परंतु फिर भी आपने उस राम का साथ किया। हर कदम पर मेरे साथ विश्वासघात किया, फिर भी आपका भक्त आपकी स्तुति अवश्य करेगा और इस युद्ध में विजय होगा। आप अपना आशीर्वाद दे न दे, परंतु ये पदवियां मैंने ऐसे ही हासिल की है। इनको प्राप्त करने के लिए मैंने तप किया, तब ये मुझे मिली। रावण बलशाली है, इसका कारण तुम नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारा भक्त हूं और पूजन कर रहा हूं। आपके सामने चल रही है। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक नाभि कुंड पीयूष
नाथ जियत रावण बनता के जय श्री राम जय शंकर सुनत विभीषण बचन कृपाला हरष कहे कर पान कराला सुनत विभीषण बचन कृपाला हरष कहे कर पान कराला जय श्री राम जय शंकर अशुभ होन लागे तब नाना रोही घर श्रीकाल बहु स्वाना बोलही अग जगन आरती हे तू हो लागा भया ऊपर फेरो रवि ऊपर मन मनो करियो गगन पति धारी प्रतिमा जय शंकर जय श्री राम प्रतिभा हृदय कवि पाद नवरती पर सही मलाक रुधिर रचन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद, हमारे मित्र भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे पुराने साथी भाई राजेश गहलोत जी, राजीव जी सोलंकी, बीपी टंडन जी, सुखवीर जी, मुकेश जी, अविनाश जी, डॉक्टर खान और विशाल संख्या में पधारे हुए संस्कृति प्रेमी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भारत उत्सवों की भूमि है, शायद ही 365 दिन में कोई एक दिन बचा होगा
हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव न मनाया जाता है। हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण अनेक विध पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है जीवन इतिहास की धरोहर को मजबूत करने वाली सांस्कृतिक विरासत इन सब के चलते हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का शिक्षा का और सामूहिक जीवन का एक निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया है। उत्सव हमें जोड़ते भी हैं, उत्सव हमें मोड़ते भी हैं, उत्सव हमें उमंग भी भरते हैं, उत्साह भी भरते हैं और नए नए सपनों को सजने का सामर्थ्य भी देते हैं। हमारी रंगों में उत्सव धमकता रहता है। इसलिए भारत के सामाजिक जीवन का प्राण तत्व उत्सव है और यह उत्सव प्राण तत्व होने के कारण हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा को कभी क्लब कल्चर में जाना नहीं पड़ा। उत्सव ही उसकी भावों की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम बनते रहे और यही उत्सवों का सामर्थ्य होता है। उत्सव के साथ एक प्रतिभा को निखारने का, प्रतिभा को एक सामाजिक गरिमा देने का, प्रतिभा को पुरस्कृत करने का ये भी हमारे यहां निरंतर प्रयास चला है। कला हो, वाद्य हो, गान हो, नृत्य हो, हर प्रकार की कला हमारे उत्सवों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और इसी कारण भारत के हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत में इस कला साधना के कारण उत्सवों के माध्यम से कला हमारे जीवन व्यवस्था में होने के कारण भारतीय परंपरा में रोबोट पैदा नहीं होते हैं, जीते जागते इंसान पैदा होते हैं। उसके भीतर की मानवता, इसके भीतर की करुणा, इसके भीतर की संवेदना, इसके भीतर की दया भावना, इसको लगातार ऊर्जा देने का काम उत्सवों के माध्यम से होता है। और इसलिए अभी अभी हमने नवरात्रि के 9 दिन, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर नवरात्रि का पर्व न मनाया जाता है। शक्ति साधना का पर्व, शक्ति उपासना का पर्व, शक्ति आराधना का पर्व और ये शक्ति भीतर की कमियों को कम करने के लिए, भीतर की असमर्थताओं से मुक्ति पाने के लिए, भीतर घर कर गई कुछ हल्की फुल्की चीजों से मुक्ति पाने के लिए ये शक्ति की आराधना एक नए स्वरूप में नई शक्ति का संचार भीतर भीतर करता है। और जब मां की उपासना करने वाला ये देश
शक्ति साधना करने वाला है देश, उस धरती पर हर मां बेटी का सम्मान, हर मां बेटी का गौरव, हर मां बेटी की गरिमा, इसका संकल्प भी ये शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है, समाज के हर नागरिक की जिम्मेवारी बनता है। और इसलिए इस बार मैंने मन की बात में कहा था कि हमारे यहां उत्सव युग काल अनुसार परिवर्तित होते रहे। हम एक ऐसा समाज है जो गर्व के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं, हम चुनौतियों के साथ चुनौती देने वाले भी हैं और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदलने वाले भी लोग हैं। तो दिल्ली के द्वारका से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बता रहे थे भारत की खूबसूरती कैसे है, विविधता में एकता का भी उन्होंने यहाँ पे संदेश देने की कोशिश की। इस वक्त लिए चलते हैं आपको दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में, जहाँ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संबोधित कर रहे हैं। फिलोसफी लेट इज ऑल वेड अगेन टू दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ शेयर एंड केयर, लिव टुगेदर इन ऑल हैप्पीनेस, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा and take the spirit of Ramayana forward for the betterment of our lives, for the betterment of the humanity, and the betterment of a better world together. I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to come here and witness this Ramlila here in this historic Red Fort area. I would like to compliment all the members of organizing committee for the efforts they have taken in organizing this beautiful function today evening. I would like to convey my thanks to all the people who have gathered here in large numbers to join this dharmic festival today. Namaskar, Jai Hind, Sabko Mera Shubhkamana Hai. Bahut bahut dhanyawad. Aapka aashirwad hame prapt hua. Main ab श्री सुरेश गोयल जी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको दिल्ली के द्वारका, जहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बात में कहा था कि जिस देश में लक्ष्मी की पूजा होती हो, हमारे घर में भी लक्ष्मी होती है, हमारे गांव हमारे मोहल्ले में भी लक्ष्मी होती है, हमारी बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है, हम हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में हमारे वार्ड में हमारे शहर में इस दिवाली पर जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, जो बेटियां दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, हमने सामूहिक कार्यक्रम करके उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए। वही हमारा लक्ष्मी पूजन होनी चाहिए, वही हमारे देश की लक्ष्मी होती है। और इसलिए हमारे यहां उत्सवों का भी समयानुकूल बदलाव हमने स्वीकार किया हुआ। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और साथ साथ आज हमारी वायुसेना का भी जन्मदिन है। हमारे देश की वायुसेना जिस प्रकार से पराक्रम की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, आज ये अवसर है विजयादशमी का पावन पर्व, और जब भगवान हनुमान को याद करते हैं तब विशेष रूप से आइए हम वायुसेना को भी याद करें और हमारे वायुसेना के सभी हमारे जाबाज जवानों को भी याद करें और उनके भी शुभकामनाएं हम व्यक्त करें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। आज विजयादशमी का पर्व है। आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व, लेकिन समय रहते हुए
हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को प्रयास करना भी उतना ही जरूरी होता है और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां भीतर की वीकनेसेस भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। आज विजयादशमी के पर्व पर और जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं तब सभी देशवासी संकल्प करें हम देश की भलाई के लिए एक संकल्प इस वर्ष में पूर्ण करके रहेंगे जिससे किसी न किसी के द्वारा देश की भलाई का काम हो। अगर मैं पानी बचाता हूं वो भी एक संकल्प हो सकता है। मैं कभी खाना खाता हूं जूठा नहीं छोड़ूंगा ये भी संकल्प हो सकता है। मैं बिजली बचाऊं ये भी संकल्प हो सकता है। मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा ये भी संकल्प हो सकता है। हम ऐसा कोई संकल्प और विजयादशमी के पर्व पर संकल्प लेकर के महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो ऐसा पवित्र अवसर ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस संयोग का उपयोग करते हुए उसी में से प्रेरणा पाते हुए हम भी कोई न कोई संकल्प करें अपने जीवन में और विजयश्री प्राप्त करके रहेंगे ये भी हम तय करें। सामूहिकता की शक्ति कितनी होती है? सामूहिकता की शक्ति भगवान श्री कृष्ण को जब याद करें तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था लेकिन सभी ग्वालों को उनकी लाठी के सामूहिक ताकत से उसको उठाने में उन्होंने साथ जोड़ा था। प्रभु राम जी के जीवन में देखें समंदर पार करना था पुल बनाना था पुल ब्रिज बनाना था सामूहिक शक्ति वो भी अपने साथी के रूप में जंगलों से जो साथी मिले थे उनको साथ लेकर के सामूहिक शक्ति के माध्यम से प्रभु राम जी ने ब्रिज भी बना दिया और लंका भी पहुंच गए। ये सामर्थ्य सामूहिकता में होता है। ये उत्सव सामूहिकता की शक्ति देते हैं। उन शक्ति के भरोसे हम भी अपने संकल्पों को पार करें। प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने आप को कोशिश करें अपने गांव गली मोहल्ले को जोड़े एक आंदोलन के रूप में चलाएं। नो फर्स्ट यूज प्लास्टिक। और इसलिए इस प्रकार का विचार लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मुक्ति का हमारा अपना संकल्प होना चाहिए। आज प्रभु राम जी के इस विजयोत्सव के पर्व को हजारों साल से हम विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। रामायण का मंचन करके संस्कार सरिता बहाने का प्रयास करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संक्रमण चलता रहता है। आज ये द्वारका रामलीला समिति के द्वारा भी इस मंचन के द्वारा युवा पीढ़ी को नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिचित कराने का जो प्रयास हो रहा है मैं अंतःकरण पूर्वक उनको बधाई देता हूं। आपको भी विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे साथ फिर से बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
और तत्पश्चात भगवान राम रावण की तरफ चलेंगे और प्रधानमंत्री जी यहां मत से तीर चलाकर रावण का दहन करेंगे। Yeah!
परंतु युद्ध का अंत मेरी अवस्था का अंत नहीं है। युद्ध निरंतर होते रहेंगे। सेना अब रावण के लिए रावण के मैदान में चल पड़ी है, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम अब होने वाला है, रावण का अंत हो चुका है। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई प्रवेश वर्मा जी से, वो हाथ का बना हुआ मोदी जी का चित्र वो प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। भाई प्रवेश वर्मा जी हमारे एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उसकी बेटी ने ये बनाया है, राजेश अग्रवाल की बेटी ने अपने हाथों से बनाया है और उसको भेंट करेंगे भाई प्रवेश वर्मा जी। हमारे राजेश अग्रवाल जी जो है उनकी बेटी ने ये बनाया था, लेकिन वो मंच के पीछे थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि बेटी को सबसे पहले ऊपर लेके आओ और अब बेटी को बुलाने के लिए गया है राजेश जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बिटिया को आशीर्वाद देते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। और मैं निवेदन करूंगा कि अब प्रधानमंत्री जी यहां से तीर छोड़कर रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे। असत्य पर सत्य की विजय होगी और रावण रूपी राक्षस कुंभकर्ण मेघनाथ तीनों का अंत होगा। इसलिए तीर और कमान भगवान राम का तीर कमान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया जाए। अब प्रधानमंत्री जी तीर कमान तीर पर कमान चढ़ गई है और अब रावण रूपी राक्षस का अंत हो रहा है। छोड़ दिया गया है और रावण का भी सर्वनाश हो गया है। तीनों पुत्रों का दहन शुरू हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में यहाँ पहुंचे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से एवं तमाम क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं
एक बार जोरदार तालियों के साथ आज, क्योंकि अब जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का दहन हो चुका है और आप सबके बीच में अब की बार, क्योंकि हरे पटाखे हैं इसलिए आवाज नहीं है, जोरदार तालियों के साथ पटाखों की आवाज आपको तालियों से करनी है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। अभी आवाज कम आ रही है, स्टेज तक आवाज आनी चाहिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की।